100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170। कोविड-19 महामारी के नियंत्रण के लिए यूपी में अब पूल टेस्टिंग होगी, जिसकी अनुमति ICMR ने दे दी है। ऐसा करने वाला यूपी देश का पहला राज्य होगा। विशेषज्ञों के अनुसार पूल टेस्टिंग में कई लोगों के स्वैब के नमूनों को इकट्ठा कर एक बार में ही टेस्ट किया जाता है। पूल टेस्टिंग के बारे में अपर चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि पूल टेस्टिंग में एक सैंपल टेस्ट करने के बजाय सभी सैंपल को मिक्स कर लिया जाता है और इनमें से किसी एक को टेस्ट किया जाता है। यदि ये नमूना नेगेटिव आता है तो सारे नेगेटिव मान लिए जाते हैं। वही नमूना पॉजिटिव आने पर सभी नमूनों की अलग अलग जांच होती है। इससे टेस्ट किट का कम इस्तेमाल होता है। जिस इलाके में कोरोना संक्रमण की आशंका हो वहां ये टेस्ट बेहद कारगर है। साथ ही ये ऐसे मरीजों की स्क्रीनिंग में भी मददगार होगा जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं होते हैं। आपको पता है कि जैसे कि ICMR ने इसके लिए गाइडलाइंस बनाना शुरू की हैं पूल टेस्टिंग, तो प्रथम दृष्टया इसका कोविड में एक इम्पॉर्टेंस ये रहेगा कि हम इसमें बहुत से सैंपल एक साथ इकट्ठे कर पाएंगे, तो जो अभी हमारी लैब सीमित हैं उसमें हमारी सैंपल कलेक्शन की सुविधा बढ़ जाएगी। प्लस एक प्राइमरी स्क्रीनिंग करते हुए जो समय हम अभी ज़्यादा लग रहा है उस चीज़ को हम कम कर पाएंगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग की टेस्टिंग कर पाएंगे और जिससे हमें रिजल्ट्स और बेहतर मिल जाएंगे और ट्रीटमेंट भी हमारा आसान हो जाएगा। अब इसकी जो स्पष्ट गाइडलाइंस ICMR बनाता है और जब हमें वो देगा उसको क्लियर कट जो गाइडलाइंस होगी उस हिसाब से हम इसको फॉलो करेंगे और निश्चित तौर पर इससे हमें मदद मिलेगी। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।